हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआर एकेडमी फिरोजाबाद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओड ऑन अग्रेशन की, जिसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर ओड है। ठीक है, ये पोएम जॉन कीट्स के द्वारा मई 1890 में लिखी गई थी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। और इसको पब्लिश किया गया था एनोनिमसली जनवरी 1820 को। इस पोएम का जो मेन सोर्स है वो है लॉर्ड हॉलैंड। ठीक है, लॉर्ड हॉलैंड के आंगन में एक अर्न यानी कि घड़ा रखा हुआ है। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, उनके आंगन में एक घड़ा यानी कि एक अर्न रखी हुई है। उस पर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। उसी पोएम को एड्रेस करते हुए ये कविता, उसी अर्न को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं इस पोएम के स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें मैं आपको लाइन वाइज वर्ड वाइज एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा एक बल्क में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये स्टैंजा नंबर 1 है, इसको याद रखेंगे, स्टैंजा नंबर 1 है, यहाँ से ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टैंजा नंबर 1 में जो पोएट है वो कई तरीके के सुंदर चित्र उस पर देखता है अर्न पर बने हुए, और उससे कई तरीके के जवाब पूछता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट मेड परस्वीट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट मेड एंड लोथ, व्हाट मेन और गॉड आर दीज, व्हाट वाइल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाइट पाइप एंड टिम्बल्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पोएम में याद रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है आपका तो इन्हीं पॉइंट पर बनता है। हालांकि उसने इस अर्न को दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस बोला है, ठीक है ना, अनरेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोला है, सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है, फ्लोरिटेड बोला है, और ली फ्रिंगड लीजेंड भी बोला है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, जिसके बारे में हम लाइन वाइज एंड वर्ड वाइज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइन नंबर 1 से। दाउ स्टिल अनरेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। हियर इन दिस लाइन जॉन कीट्स मीन्स पोएट इज एड्रेसिंग द अर्न दैट दाउ स्टिल अनरेविस्ट। अनरेविस्ट का मतलब होता है अनअफेक्टेड। क्या होता है? अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब है अप्रभावित। दाउ स्टिल अनरेविस्ट, तुम अप्रभावित हो। मतलब हियर द पोइट इज रेफरेंसिंग द अर्न दैट सी इज अनअफेक्टेड बाई द रेज ऑफ टाइम। समय की विनाशकारी शक्तियों से भी वो अनअफेक्टेड है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वो सदियों से ऐसी की ऐसी ही है। एंड ही इज कॉलिंग हिम द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। वो शांति की मूरत है या शांति की दुल्हन बोला गया है यहाँ पे उसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम दिए गए हैं, द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। हियर पोएट इज कॉलिंग हिम दैट यू आर द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस। फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अपने ऊपर जितने भी चित्र अंकित हैं, जो भी फिगर उस पर बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियाँ बयां करते हैं ग्रीक हिस्ट्री की, बट उनको बोलती नहीं है। द अर्न कैन नेवर स्पीक आउट एंड सी डिड नेवर स्पीक। कहने का मतलब ये है, द अर्न कैन नॉट स्पीक, मतलब अर्न कभी बोल नहीं सकती, अर्न कभी बोली भी नहीं है और अर्न कभी बोलेगी भी नहीं, क्योंकि वो साइलेंस पिक्चर है। उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी छिपा हुआ है, जो कुछ भी अंकित है, सिर्फ वही आर्ट हमें बताती है कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस यू एक्सप्रेस एवरीथिंग एंड टेल अबाउट मोर अबाउट द ग्रीक हिस्ट्री। ग्रीक हिस्ट्री के बारे में तुम मुझे बहुत कुछ बताती हो, बट यू कॉन्ट स्पीक आउट विद योर माउथ। अपने मुँह से स्पष्ट रूप से उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हारे ऊपर छिपा हुआ है। ठीक है, हियर पोएट इज कॉलिंग हर एज अ सिल्वन हिस्टोरियन। सिल्वन का मतलब होता है देहाती। क्या होता है? देहाती। देहाती का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सिविलन का इस्तेमाल किया गया है। एंड पोएट कॉल्ड हर सिविलन हिस्टोरियन, मतलब ये कि अर्न जो उन ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, उन देहाती लोगों के बारे में बयां करती है स्टोरियाँ,
वो शिविलन कैंडिडेट्स हैं। तो इसीलिए उन देहाती चीज़ों के बारे में स्टोरी बयां करने वाले कैंडिडेट को शिविलन हिस्टोरियन बोला जाता है। यहाँ पर पोइट भी उसको शिविलन हिस्टोरियन बोलता है, जो ग्रीक की पुरानी कंडीशंस के बारे में, ग्रीक हिस्ट्री के बारे में, ग्रीक लिटरेचर के बारे में, ग्रीक आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ पर बयां करती हैं बहुत सारी हिस्टोरियाँ। हु कांट ए दस एक्सप्रेजेस, लेकिन पोइट यहाँ पर यह भी कहता है कि बयां करने की कोशिश तो बहुत सारी की जा रही है, बट शी कैन नॉट एक्सप्रेस वेल, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को जो उस पर छिपी हुई हैं, उस पर जो अंकित हैं, उस पर जो उकेरी गई हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से एक्सप्रेशन नहीं दे पाती, उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। वो कैसी है? साइलेंस एंड स्लो टाइम द फोस्टर चाइल्ड, ठीक है ना। वो शांत प्रिय महिला है और शांति की मूरत है, जो कभी बोल नहीं सकती। आगे दिया गया है अ फ्लोरी टेल, फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। यहाँ फ्लोरी टेल का मतलब ये है कि उस पर बने हुए जो फूल पत्ती फल पेड़ वृक्ष एंड वाट लीफ फ्रिंग लीजेंट, यानी वाट लीफ फ्रिंग लीजेंट का मतलब ये है उस पर जो फूल पत्ती बेल इत्यादि से बनी हुई जो आकृतियाँ हैं, उनकी जो कहानियाँ बयां करने की जो स्टाइल है वो क्या है? मोर स्वीटली देन अवर राइम। तो यहाँ पर पोइट इस अर्न की आर्ट को अपनी पोइट्री से ज़्यादा सुपीरियर मानता है। वो कहता है कि इस पर बने हुई जो फूल पत्ती फल वृक्ष इत्यादि हैं, वो जितनी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उतने अच्छे तरीके से मेरी राइम मतलब मेरी पोइट्री इन चीज़ों को बयान नहीं कर पाएगी। मेरी पोइट्री इन चीज़ों से सुपीरियर नहीं है, इन चीज़ों की सुपीरियरिटी मेरी पोइट्री पर ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब स्पष्ट शब्दों में यह है कि पोइट ने आर्ट को पोइट्री पर भारी माना है, आर्ट को पोइट्री से सुपीरियर माना है। जो भी आर्ट उस अर्न पर अंकित की गई है, उन सभी आर्ट्स के बारे में, उन सभी पिक्चर्स को। वाट ली फ्रिंग लीजेंट हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, दाई शेप का मतलब यह है दाई शेप, क्योंकि अर्न का रिलेशन ग्रीक हिस्ट्री से है, इस वजह से यहाँ पर पोइट कहता है कि लीप फ्रिंग्ड लीजेंड, यानी कि फूल पत्तियों बेल इत्यादि से बने हुए ये जो लीजेंड हैं, मतलब ये जो फिगर हैं, हॉन्ट्स हमें याद दिलाते हैं अबाउट दाई शेप। दाई शेप का मतलब योर हिस्ट्री, तुम्हारे जो अतीत है, तुम्हारी जो संरचना है, तुम्हारा जो काल है, तुम्हारा जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बारे में हमें ये कुछ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पोएट कुछ बात करता है अर्न से और कहता है ऑफ डेटीज और मोर्टल और बोथ, ये उन देवताओं के बारे में भी बात करता है जो यहाँ पर इस मूर्ति के रूप में इस पर छिपे हुए हैं, और मोर्टल्स और उन लोगों के बारे में भी बात करता है जो मनुष्य हैं, जो सादा सिंपल मनुष्य हैं, यानी देवताओं के बारे में भी बात कर रही है अर्न। उस पर देवताओं की मूर्तियाँ भी छिपी हुई लगती हैं और कुछ साधारण मनुष्यों की तस्वीरें भी उस पर अंकित हैं और बोथ। और पोएट कहता है कि हो सकता है कि दोनों किसी देवता की मूर्तियां हैं, देवता के चित्र हैं, या किसी इंसान के, या हो सकता है कि ये दोनों के ही हों, ठीक है। इन टेम्प और डेल्स ऑफ आर्केडी वाट मैन और गॉड्स आर दीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। यहाँ पर ये पूछ रहा है इन टेम्प और डेल्स ऑफ आर्केडी, मतलब यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो आधे हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि कुछ लॉर्ड्स हों, कुछ भगवान हों, कुछ इंसान लगते हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? वाट मैन और गॉड्स आर दीज, ये अगर इंसान हैं तो कैसे इंसान हैं, और गॉड हैं तो कैसे गॉड हैं, अगर हैं तो ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं? वाट मेड एन लोथ, यहाँ पर वो ये कहता है कि ये जो इन दिस लाइन वाट मेड लोथ, यहाँ पर पोएट कुछ महिलाओं को देखता है जो अर्न पर अंकित हैं चित्र के रूप में, वो वहाँ से जा रही हैं, कुछ लोग उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर अर्न से वो क्वेश्चन करता है वाट मेडन्स लोथ, यानी जो मेडेंस हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं कहाँ भाग रही हैं, ठीक है। एंड वाट मेड परस्यूट, और कौन इनका पीछा कर रहा है, ठीक है, कौन इनका पीछा कर रहा है? ये जो मनुष्य हैं, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं अर्न पर छिपे हुए इन महिलाओं के पीछे, ये कौन है, ये क्यों इसका पीछा कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो इनको पीछा करने के लिए ये मजबूर कर रही है इनको? क्या ये इसके प्रेमी हैं, क्या इसके लवर हैं? और अगर लवर हैं देन वाट स्ट्रगल टू एस्केप, अगर ये इसके प्रेमी हैं तो ये क्यों इनसे बचने की कोशिश कर रही है, क्यों भाग रही है? मतलब सीधी सीधी सिंपल बातों में पोएट ये पूछना चाहता है
कि इस पर जो आकृति बनी है इस महिला की, इन पुरुषों की, ये कौन है? ये महिला भाग क्यों रही है? क्या इन लोगों से बचने के लिए भाग रही है? ये कौन है? ये इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये इसके बिलव्ड हैं? अगर ये इसके बिलव्ड हैं, अगर इसके प्रेमी हैं, तो फिर ये क्यों बच रही है? फिर ये किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रही है? आगे उसको कुछ और भी दिखाई देता है उन पे, वाट पाइप्स, उसको कुछ पाइप यानी कुछ वाद्य यंत्र के चित्र वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड टिम्बल्स, और कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग उस पर दिखाई दे रहे हैं। फिर वो पूछता है उनसे, वाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, ये पाइप यानी ये वाद्य यंत्र कैसे हैं, किसके हैं, एंड वाट टिम्बल्स, और ये बजाने वाले कौन हैं, वाट वाइल्ड एक्टेसी, और ये जो मधुर ध्वनि आ रही है, जो मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि आ रही है, हर्षो उल्लास हो रहा है, धार्मिक रूप से जो इस तरीके से उल्लास हो रहा है, ये किस चीज़ का है? एक्टेसिक डिलाइट ऑफ डीप रिलीजियस फेवर, धार्मिक जोश से उत्पन्न अत्याधिक हर्ष एवं आनंद, ये किस चीज़ से आ रहा है? ये इंस्ट्रूमेंटल कौन बजा रहा है? ये वाद्य यंत्र किसके हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने वन बाई वन वर्ड आपको इसका एक्सप्लेनेशन करा दिया। तो पिछले वाले स्टैंजा से ही इसको लिंक करके चलना पड़ेगा, जहाँ पर पोइट ने बहुत सारी चीज़ों को देखा जो कि अर्ण पर बनी हुई थी। उन्हीं चीज़ों को देखने के बाद में पोइट उन चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालता है और कहता है, देखिए जहाँ पिछले स्टैंजा में पोइट ने क्या क्या देखा था, पाइप देखे थे टिम्बरल्स, यानी कि पाइप बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले थे, और कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके की मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनियाँ देखी थी, ठीक है, और कुछ मेडेंस यानी कि महिलाएँ देखी थी, और कुछ उनके लवर देखे थे जो उसका पीछा कर रहे थे और वो बचने के लिए भाग नहीं थी, और कुछ मैन और कुछ गॉडेज देखे थे। इन्हीं सारी चीज़ों को वो यहाँ पर लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे और बताएंगे कि पोएट यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दिया गया है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो इस स्टैंजा को तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन लाइन में पोएट कह रहा है कि हर्ड मेलोडीज मतलब सुना हुआ संगीत, जो संगीत हम सुन चुके हैं वो कैसा है, वो मीठा है, मतलब वो मधुर होता है, डेफिनेटली वो अच्छा होता है जो संगीत हम सुन चुके हैं। बट दोज अनहर्ड, जो सुना नहीं गया है, आर स्वीटर। देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये है कि पोइट एक तो अपने फिजिकल वर्ल्ड के इस अपीयरेंस वाले म्यूजिक की बात कर रहा है, जो म्यूजिक हम जनरली सुनते हैं, और एक ये उस म्यूजिक की बात कर रहा है जिस म्यूजिक को इसने अर्न पर देखा था, ये वाला फर्स्ट स्टैंजा में जो देखा था ये, क्योंकि ये सब क्या है, ये अर्न पर डिपिक्टेड पिक्चर हैं, और ये पिक्चर में बजता हुआ संगीत है जिसको पोएट या कोई और भी व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ एक पिक्चर है। तो इसलिए पोएट ने उसको क्या कहा है, दोज अनहर्ड आर स्वीटर। पोएट उस म्यूजिक को जो उस अर्न पर छिपा हुआ है उसको बोल रहा है अनहर्ड स्वीटर, यानी पोएट यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है कि जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो म्यूजिक डेफिनेटली अच्छा होता है, मीठा होता है, मधुर होता है, बट जो अर्न पर जो पिक्चर में डिपिक्टेड म्यूजिक और म्यूजिशियन हैं वो जनरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, इस म्यूजिक से बेहतर होंगे जो म्यूजिक हम रोज़ाना की ज़िंदगी में सुनते हैं। देयरफोर या सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पाइप है, पाइप का मतलब ये जो ध्वनियाँ हैं और ये जो पाइप बजाने वाले लोग हैं, ये इस ध्वनि को बजाते रहेंगे, ये ध्वनि कभी बजना बंद नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ऑल दैट आर डिपिक्टेड ऑन द अर्न एज अ पिक्चर, क्योंकि सारी चीज़ें अर्न पर पिक्चर के रूप में डिपिक्टेड हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती, नॉट द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडोर्ड पाइप टू द स्पिरिट डाइटीज ऑफ नो टोन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो दिया है सेंसुअल ईयर का जो मतलब है वो है द फिजिकल ऑर्गन दैट ईयर वन ऑफ द सेंस, जो कानों तक नहीं आ सकते, जो कानों तक नहीं आ सकते, लेकिन द मेलोडी ऑफ द पाइप हैज़ नो फिजिकल इफेक्ट एंड इज इनऑडिएबल टू द सेंस। कलश पर जो चित्र वाद्य यंत्र की आवाज़ें जो कानों को सुनाई नहीं पड़ सकती हैं, वो हमारी आत्मा तक सुनाई पड़ सकती हैं। कहने का मतलब उनको हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी क्या हैं, उस पर डिपिक्टेड हैं, पिक्चर हैं, वो बज नहीं रहा है, वो बजता रहेगा, हमेशा बजता रहेगा, जैसा आज है वैसा हमेशा बजता रहेगा। तो ये जो चीज़ें थी उसने रेफरेंस किया था पिछले वाले स्टैंजा का इस वाले से, इस वाले लाइन को उसने डिपिक्ट किया, वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने कहा कि जो म्यूजिक मैं सुनता हूँ, जो हमने सुना है, वो
जाहिर सी बात है अच्छा है, बट ये जो पाइप और ये टिम्बल्स हैं जो इस अर्न पर डिपेक्टेड हैं, इनके द्वारा बजने वाला जो म्यूजिक है वो उस म्यूजिक से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सेंसुअल होगा जो म्यूजिक हम सुनते हैं, क्योंकि ये म्यूजिक बाहर सुनाई नहीं पड़ सकता, इसको हम कानों से नहीं सुन सकते, इसको हम हृदय की आवाज़ से पहचान सकते हैं, हृदय के द्वारा सुन सकते हैं, हमारे हृदय के धागों तक जाता है, मतलब आत्मा की आवाज़ आत्मा के कॉर्नर तक पहुँच जाता है, ये हमारे जो आत्मा है उसके तारों तक सुनाई पड़ता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। आगे दिया है, फेयर यूथ बीनीथ द ट्री दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कान दोज टी बी बियर, कहने का मतलब ये है, फेयर यूथ एक जवान आदमी को देखता है बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे बैठे हुए, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, जो कि अपना गाना बजाना कभी बंद नहीं करेगा, ठीक है, जो कि कभी अपना गाना बजाना बंद नहीं करेगा। द यूथ स्कप्चर, स्कप्चर का मतलब ये है जो पिक्चर यूथ की यानी जवान आदमी की बनी हुई है, उन पर वो पेड़ के नीचे बैठकर गाना गा रहा है, एंड ही विल नेवर स्टॉप सिंगिंग, वो कभी गाना गाना बंद नहीं करेगा, ठीक है ना। बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे, फेयर यूथ जवान आदमी, थाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपने गाने को बजाना कभी बंद नहीं करोगे, तुम्हारा गाना कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम जैसे आज बजा रहे हो वैसे हमेशा बजाते रहोगे, क्योंकि तुम अर्न पर डिपिक्टेड एक पिक्चर हो और तुम्हारा संगीत कभी फीका नहीं पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मधुर ना रहे, आज भी मधुर है वो कल भी मधुर रहेगा। और क्या होगा, नॉर एवर कैन दोज ट्री बी वियर, और ना तो ये जो पेड़ हैं जिसके नीचे तुम बैठे हुए हो, तुम लेटे हुए हो, ये जो पेड़ है ये पेड़ कभी अपनी पत्तियों को नहीं गिराएगा, ठीक है ना, ये पेड़ भी कभी बंजर नहीं होगा। मतलब ये है कि जो कुछ भी है वो अर्न पर डिपेक्टेड है और जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, पेड़ अपने पत्तों को नहीं गिराएंगे, जो फेयर यूथ है वो गाना बंद नहीं करेगा, वो गाता ही रहेगा। और क्या देखता है वो, बोल्ड लवर नेवर नेवर कास्ट द किस, एक लवर को देखता है, वो एक प्रेमी को देखता है, एक आशिक को देखता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब कि अपनी प्रेमिका को किस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने की कोशिश कर रहा है, बट वो किस कर नहीं पा रहा है, ही कान नॉट टच द गोल, उसने अपने गोल को अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है, उसके मन में जो तीक्ष्ण भावनाएँ जो विशेष फीलिंग जो उठ रही हैं, जो एक व्यक्ति जब किसी कर्म को करने की कोशिश कर रहा हो और उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो बट वो कर नहीं पा रहा हो, तो उसके अंदर जो पैशनेट फीलिंग होती है वही उस लवर के अंदर है, तो वो फीलिंग उसके अंदर हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं कि एक लवर जो अपनी बिलव्ड के पास बैठा हुआ है, किस करने की कोशिश कर रहा है बट अभी किस हुआ नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके की इंटेंसिटी पॉइंट यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इंटेंसिटी, इसके अंदर जो फीलिंग तीक्ष्ण भावना जो जागरूक है किस करने की, वो इसकी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये डिपिक्टेड पिक्चर है, ये इसको किस करने की कोशिश करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एक पिक्चर है और इस पर डिपिक्टेड है, ये कभी किस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर की जो फीलिंग है वो कभी मरेंगी नहीं, हमेशा जुनून बना रहेगा इसके अंदर कि ये इसको किस करना है। दो विनिंग नियर टू द गोल येट डू नॉट ग्रीव, लेकिन ये भले ही क्या नहीं कर पाएगा, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएगा, दो विनिंग नियर द गोल, ये अपने गोल को प्राप्त करने के करीब तो है बट नॉट गोइंग टू अचीव इट, वो इसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बस कोशिश में थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा दूर है बस, और ये दूर ही बना रहेगा। लेकिन पोएट इससे कह रहा है भले ही ये नहीं कर पाएगा बट ही डज नॉट ग्रीव, ही विल नॉट ग्रीव फॉर इट, ये अपनी बिलव्ड को किस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए इसको पछताना नहीं चाहिए, इसके लिए इसको पछताना नहीं चाहिए, या एक इमेजिनेशन का क्वेश्चन है कि या ये कभी ज़िंदगी में पछताएगा नहीं, इसको इस चीज़ का कभी पछतावा होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ये मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये मूवमेंट जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सी कैन नॉट फेड, सी कैन नॉट फेड दो दाउ हेस्ट नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सो एंड सी वी फियर। देखिए यहाँ पर पोइट कह रहा है अपने इस फिजिकल वर्ल्ड के प्यार के बारे में, लव के बारे में, और कंपेरिजन कर रहा है सेंसुअस लव की जो उस पर डिपिक्टेड है। सी कॉन्ट फेड, यहाँ उसके बिलव्ड के बारे में बात हो रही है, उसकी प्रेमिका के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है कि शी कान नॉट फेड, वो कभी मुरझाएगी नहीं, मतलब वो कभी बूढ़ी नहीं पड़ेगी, उसका जो यौवन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, ठीक है, और ना तो तुम्हारा जो प्यार है वो कभी ख़त्म होगा। फॉर एवर विल्ट दाउ लव, क्योंकि तुम उसको हमेशा प्यार करोगे, तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा।
एंड सी बी वी फेयर, और वो हमेशा ही सुंदर बनी रहेगी, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर पोएट ने ये कहा है कि आज का जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें जो प्यार होता है वो कुछ अजीब तरीके का होता है, कुछ दिन की चांदनी होती है, एक प्यार झरोखों के तरीके से होता है, एक बोल सकते हैं क्योरिसिटी के तरीके से होता है, जो प्यास बुझ जाने के बाद में ख़त्म सा हो जाता है, लेकिन तुम्हारी प्यास कभी बुझेगी नहीं और तुम्हारा प्यार कभी मरेगा नहीं। इस तरीके से आपका जो ये जो स्टेंजा है ये कंप्लीट हो गया है। अगले स्टेंजा में कुछ पेड़ पौधे जहाँ पर उसको हरी भरी वृक्षों की जो डालियाँ दिखाई देती हैं उन डालियों को देखकर वो कहता है आह हैप्पी हैप्पी बोग्स। यहाँ पर बोग्स का मतलब है डालियाँ। क्या है? डालियाँ, पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको बोझ बोला जाता है। आ हैप्पी हैप्पी बोझ, बहुत ही खुश पेड़ पौधों की ये डालियाँ नज़र आ रही हैं, देट कान नॉट शेड, जो कि अपने पत्तों को कभी नहीं झाड़ेंगी, इन पर कभी पतझड़ नहीं आएगा, इनके कभी पत्ते झड़ेंगे नहीं, ठीक है। एंड दे विल बी ऑलवेज हैप्पी, वे हमेशा खुश रहेंगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। आ हैप्पी हैप्पी बोझ, ये सुंदर टहनियाँ हैं पेड़ों की, ये हमेशा खुश रहेंगी, इन पर कभी पतझड़ नहीं आएगा, दे विल नेवर शेड देयर लीव्स, वे अपनी पत्तियों को कभी नहीं झड़ने देंगी। योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड यू, और न तो इन पर कभी पतझड़ आएगा, क्योंकि इन पर बसंत ऋतु का मौसम है, क्योंकि ये पिक्चर हैं अर्न पर उकरे हुए, अर्न पर बने हुए, और अभी अर्न पर जब ये पिक्चर के रूप में है उस समय इन पर क्या है? स्प्रिंग है। तो पोएट यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडू, एडू का मतलब क्या होता है? चले जाना, बिड का मतलब विदा करना, यानी कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग यहाँ से जो बसंत ऋतु है यहाँ से कभी भी विदा होकर नहीं जाएगी, मतलब हमेशा इन पौधों पर, इन पेड़ों की टहनियों पर हमेशा बसंत ऋतु बनी रहेगी। क्लियर हो गया? इन पर हमेशा बसंत ऋतु बनी रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो फिर वो उसी मेलोडीज़ के बारे में बात करता है जो वहाँ पर पाइपर बजा रहा होता है, वो कैंडिडेट पेड़ के नीचे जो बैठा था वो उस मधुर ध्वनि को बजा रहा होता है, उसके बारे में बात की जाती है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेयर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। देखिए यहाँ पर वो कहना चाहता है पोइट कि वो जो मेलोडिस्ट है, जो गाना बजा रहा है, जो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, वो अनवेयर्ड, वो कभी थकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, अनवेयर्ड का मतलब है कभी थकेगा नहीं, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग, क्योंकि वो हमेशा पाइप यानी कि ध्वनि प्रोड्यूस करता रहेगा, संगीत बजाता रहेगा, ठीक है ना, संगीत बजाता रहेगा, हमेशा बजाता रहेगा, फॉर एवर न्यू, और उसकी जो ध्वनि है वो हमेशा नई प्रतीत होती रहेगी, नई प्रतीत होती रहेगी, होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि वो जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, वो संगीत इस पर बजाता रहेगा, वो कभी भी अपना संगीत बजाना बंद नहीं करेगा, अनवियर्ड, कभी थकेगा नहीं, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, उसके जो सॉन्ग है, उसका जो संगीत है, वो हमेशा ही कैसा बना रहेगा? नया बना रहेगा, ठीक है। आगे और देख लीजिए, फिर वो उस लवर के बारे में बात करता है जिस लवर को उसने पिछले स्टंजा में देखा था, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि वो जो लवर है वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, वो अभी भी खुश है और कल भी खुश रहेगा, क्योंकि वो अर्न पर खुश मिजाज स्थिति में बनाया गया है, उसकी जो खुशी है वो कभी कम नहीं होगी, उसका जो प्यार है वो हमेशा उसे खुशी प्रदान करता रहेगा, क्योंकि फॉर एवर वार्म एंड स्टिल, क्योंकि उसका प्यार हमेशा कैसा रहेगा? ताज़ा रहेगा, जैसा अभी है वैसा का वैसा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड स्टिल बी इन्जॉयड, और वो इसका हमेशा आनंद उठाता रहेगा। क्लियर? स्टिल बी इन्जॉयड। आगे दिया गया है फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, क्योंकि ये सभी क्या हैं? ये पेंटिंग है, ऑल दीज आर पेंटिंग्स, ऑल दीज आर पेंटिंग्स, ये सभी पेंटिंग है, और पेंटिंग कभी भी बूढ़ी नहीं पड़ती है, पेंटिंग हमेशा जैसी थी वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ये हमेशा यंग दिख रहे हैं और ये हमेशा जवान बने रहेंगे, ठीक है, इन पर कभी भी वृद्धावस्था नहीं आएगी, जवान रहेंगे ये, ठीक है, ये हमेशा जवान रहेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवो दैट लीव्स अ हर्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉड अ बर्निंग फोर हेड एंड
पार्चिंग टंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये उस प्यार से अधिक ज़्यादा गहरा, अधिक ज़्यादा तीचड़ होगा इस लवर का प्यार, क्योंकि ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव। यहाँ पर यहाँ पोइट कहना चाहता है कि जब किसी की इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, ह्यूमन पैशन तृप्त हो जाती है, ह्यूमन पैशन फुलफिल हो जाती है, डिज़ायर कंप्लीट हो जाती हैं फॉर अबव, जिस चीज़ के लिए वो ये सब कुछ करना चाहता है, ठीक है, यानी जो प्यार कर रहा है, जिस चीज़ के लिए कर रहा है, जब वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, ये वाली ऊपर वाली, तब उसका जो प्यार है वो ख़त्म हो जाता है। दैट लीव्स, तो वो छोड़ देता है हर्ट हाई, और जिस उत्तेजना के साथ में वो प्यार करता है किसी को, उस उत्तेजना को वो ख़त्म कर देता है। एंड सोरोफुल एंड क्लॉयड, और फिर वो दुखी रहने लगता है, यानी उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है और वो दुखी रहना शुरू कर देता है। विद अ बर्निंग फोरहेड, उसका माथा जलता रहता है, एंड पर्चिंग टंग, और जुबान से हमेशा दुख भरी आवाज़ें निकलती रहती हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये स्टंजा नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं, इस प्रेजेंट स्टंजा में पोइट एक मिस्टीरियस प्रीस्ट को देखता है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी होता है, क्या होता है, रहस्यमयी होता है। एक रहस्यमयी प्रीस्ट को देखता है, यानी कि पुजारी को देखता है, उसके फॉलोअर्स को देखता है जो उसके साथ उसके गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं, जिस स्थान के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीस्ट। उसका गंतव्य स्थान यानी उसका डेस्टिनेशन प्लेस कौन सा है, इसके बारे में न तो पोइट को पता है, ना अर्न पर बताया गया है, क्योंकि अर्न पर सिर्फ इसकी एक पिक्चर उकेरी गई है कि ये जा रहा है, और ये मिस्टीरियस है, जिसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करने जा रहा है, कैसे जा रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि ये बलि देने के लिए एक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और टू वाट ग्रीन एल्टर, एल्टर का मतलब होता है वो चीज़, यानी कि वो स्टैंड, वो प्लेटफार्म जहाँ पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती है, यानी कि इसका मतलब वेदी होता है, वेदी पर किसी पशु को काटा जाता है, ठीक है। ग्रीन का मतलब यहाँ पर ये है कि इस वेदी पर, यानी कि ये जो स्टैंड है, इस तरीके से एक ऊँचा सा प्लेटफार्म है, ऐसे गड्ढा है उसके बीच में, इस पर क्या है, पत्ते वगैरह रख दिए गए हैं, पत्ते वगैरह रख दिए जिसे ढांक दिया गया इसको, तो ये ग्रीन नज़र आ रही है, इसी वजह से इसका ग्रीन एल्टर शब्द ऐड कर दिया है, ठीक है। लीड्स दाऊ दैट हाइपर, और वो क्या कर रहे हैं, हाइपर को ले आ रहे हैं। हाइपर का मतलब बैल होता है, बैल मतलब जो सांड होता है जिसकी बलि दी जा रही है, उसका मतलब यहाँ पर हाइपर है। लोविंग एट द स्काईज, जो क्या कर रहा है, आकाश की तरफ घूर रहा है, मतलब आकाश की तरफ देख रहा है, इसकी पिक्चर ऐसी बनी है आकाश की ओर देखते हुए वाली, ठीक है, आकाश की ओर देखते हुए, यानी इस पिक्चर में इसको साफ साफ देखा जा सकता है, आर्ट पे जो पिक्चर बनी है जिसमें ये बैल जो सांड है ये आकाश की तरफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑल हर सिल्केन फ्लैंक्स, और उसकी जो स्किन है, और उसकी जो स्किन है, फ्लैंक का मतलब स्किन होता है, उसकी स्किन पर क्या लाद दिया है, सिल्क के कपड़े लाद दिए, यानी सिल्क की कपड़े से उसको सजा दिया है, गार्लैंड ड्रेस्ड, और उस पर माला भी डाल दी है, माला का मतलब उसके गले में हार भी डाल दिया है, ठीक है, किसके गले में, हाइपर के गले में, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले देख लीजिए। तो प्रेजेंट स्टेंजा में जो कवि है, यानी कि जॉन कीट्स है, एक धार्मिक उत्सव का विस्तृत वर्णन कर रहा है, जिसमें एक आयोजन किया जा रहा है, और उस आयोजन में एक सांड यानी कि बैल है, उसकी बलि दी जानी है, ठीक है ना, उसकी बलि दी जानी है, और ये जो बलि है यानी सेक्रीफाइस है, किसी देवता अथवा किसी देवी की एल्टर पर, यानी कि बलि वेदी पर दी जानी है, और वो बलि वेदी क्या है, हरी पत्तियों एवं फूल आदि चीज़ों से ढांक दी गई है, जिसकी वजह से वो हरी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस यानी बलि देने के लिए आ रहे हैं। टू वाट ग्रीन एल्टर, इस हरी भरी वेदी पर, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये जो प्रीस्ट है ये बहुत ही रहस्यमयी दिखाई दे रहा है। लीड्स दाऊ दैट हाइपर, जो कि हाइपर को लिए हुए जा रहे हैं, उन लोगों का ये क्या कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। लीडरशिप का मतलब उन लोगों का नेतृत्व कर रहा है, इसी को पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, बट अर्न ये नहीं बता सकती कि इन लोगों को कहाँ जाना है, क्यों,
क्योंकि अर्न पर सिर्फ ये लोग जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे डेस्टिनेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, लूविंग एट द स्काई, और जो हाइपर है यानी जो बेल है वो आकाश की तरफ निहार रहा है जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस अर्न पर दिखाई दे रहा है, तो ये इसका है। ठीक है ना, तो रहस्यमय पुजारी इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा है, और जिस सांड को बलि दी जानी है उसको फूलों के हारों से सजा दिया गया है, और बलि वेदी की ओर जाते हुए यह गर्दन को ऊपर उठाकर यानी आकाश की ओर देख रहा है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ तक समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम दूसरा इसका दूसरी लाइन को शुरू करेंगे, व्हाट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर। पोइट यहाँ पर एक टाउन देखता है, ठीक है ना, एक टाउन की पिक्चर देखता है जो कि अधूरी है, उसको इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है उसमें, जो कि किसी नदी के किनारे पर नज़र आ रहा है, या शायद वो कोई समुद्र का किनारा है। ठीक है, या तो वो नदी का किनारा है जहाँ पर वो गांव बसा हुआ है, या फिर वो समुद्र का किनारा है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल कैथेड्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, और समुद्र का किनारा या फिर किसी पहाड़ पर है, या फिर वो किसी पहाड़ पर बना हुआ है जहाँ पर शांतिपूर्वक पूरा गाँव निवास करता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नगर की सभी सड़कें कैसी हैं, नगर की सभी सड़कें गलियां इत्यादि खाली हैं, क्योंकि इसके सभी नागरिक जुलूस के साथ उत्सव मनाने चले गए हैं। जो उत्सव ऊपर हो रहा है जिसमें एक बलि दी जानी है, सेक्रीफाइस किया जाना है हाइपर का, तो ये जो गांव है, ये जो लिटिल टाउन है, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। इट इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग, फॉग का मतलब ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव की वजह से, इन केस ऑफ दिस फॉग, दिस विलेज हैज़ बीन एम्प्टीड बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज हैज़ बीन गोन टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इस गाँव के सभी लोग वहाँ पर चले गए हैं। दिस पायस मॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सभी नागरिक जुलूस के साथ उत्सव मनाने चले गए हैं, और यहाँ जो सड़कें हैं, यहाँ जो गलियाँ हैं, ये सदैव खाली रहेंगे। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवरी मोन, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से बता ही दिया गया है कि इसकी जो गलियां हैं वो खाली हैं, यहाँ के जो सभी लोग हैं वो जा चुके हैं धार्मिक उत्सव मनाने के लिए, और अभी जो चित्र में दिखाई दे रही हैं ये गलियां बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं। द स्ट्रीट फॉर एवर मोन, तुम्हारी जो स्ट्रीट हैं यानी जो गलियाँ हैं इस गाँव की, वो हमेशा कैसी रहेंगी, वो अभी भी खाली हैं। ठीक है ना, अभी भी खाली हैं, और ये खाली ही रहेंगी, खाली ही रहेंगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न साफ है कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं विल साइलेंट भी, खाली ही रहेंगी, शांत रहेंगी ये। ठीक है, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होगा, शांत होगा। ठीक है, एंड नॉट अ सोल टू टेल, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन नेवर रिटर्न, क्योंकि जो लोग इसको त्याग कर चले गए हैं, मतलब इसको जो छोड़कर चले गए हैं उत्सव मनाने के लिए, वाई दाउ आर्ट डिसोलेटेड, ऑल दोज पर्सन हु हैव गॉन टू सेलिब्रेट द ओकेजन विल नेवर रिटर्न अगेन, वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो सड़कें एवं गलियाँ हैं ये सदैव के लिए खाली ही रहेंगी, क्योंकि लोग जो धार्मिक उत्सव से अब कभी लौटेंगे ही नहीं, और ये बताने के लिए कोई भी नहीं होगा कि ये लोग कहाँ और क्यों चले गए हैं। वाई दाउ आर्ट डिसोलेट, ये लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए, किसके लिए चले गए, और रीज़न क्या था, क्यों छोड़कर चले गए गांव को, ये बताने वाला कोई नहीं होगा। कांट एवर रिटर्न एंड नॉट अ सोल टू टेल, कि ये लोग कहाँ चले गए। इस पूरी लाइन का मतलब है वाई दाउ आर्ट डिसोलेट, कि तुम सभी लोग कहाँ चले गए हो ये बताने के लिए। नॉट अ सोल टू टेल, एक भी इंसान, एक सिंगल इंसान यहाँ पर नहीं होगा। विल साइलेंट भी, सब कुछ शांत पूर्वक हो जाएगा, सभी जगह पर शांति हो जाएगी। एंड नोबडी कैन नेवर बी रिटर्न, कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो आई होप कि ये स्टंजा भी समझ में आ गया होगा। वैसे पोएम के सारे सारे वर्ड जो हैं वो सभी सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें हर एक शब्द का एक सेंस लगाना पड़ता है, इस तरीके से हम पोएम को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फाइनल स्टंजा है और ये बहुत ही सुंदर है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर पोएट ने अर्न के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, हालांकि अर्न की तारीफ तो वो शुरुआत से ही करता चला रहा है, बट यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। ठीक है, यहाँ दिया गया ओ एटिक शेप, तो पहले तो इनके वर्ड मीनिंग समझ लीजिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर जो एटिक दिया गया है,
इस एटिक का जो मतलब है वो है लिटरेली, ठीक है, नोट कर लेना, लिटरेली कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी साहित्य से संबंधित होती हैं, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ से जो के बोल सकते हैं साहित्य, संस्कृति, कल्चर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो सांस्कृतिक, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वहाँ का रहन सहन, हर तरीके की चीज़ को बयां करने वाला शेप, यानी कि हर चीज़ को बताने वाला शेप, यानी कि आकृति, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जो एटिक शेप बोला गया है, इस एटिक शेप का पूरा मतलब है ग्रीक, मतलब इसको ग्रीक बताया गया है। पोएट इसको क्या कह रहा है, ये कि एक ग्रीक है, ग्रीक का मतलब ये जो अर्न है ये क्या है, एक यूनानी है, ग्रीक है ये। और आगे बोला है फियर एटीट्यूड, और ये जो अपनी जगह पर खड़ी है, मतलब अपनी जगह पर जो रखी हुई है ये कैसी लगती है, ये बहुत सुंदर प्रतीत दिखाई दे रही है, सुंदर नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। फेयर एटीट्यूड का मतलब लुक्स ब्यूटीफुल एज इट स्टैंड, द वर्ड एटीट्यूड हैविंग बीन सजेस्टेड बाई द साउंड ऑफ द वर्ड एटिक, ठीक है। यानी यहाँ पर ये एटीट्यूड का मतलब है ये जो सुंदर दिखाई दे रही, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है अपनी जगह पर रखी हुई, ठीक है, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर रखी हुई, ठीक है, रखी हुई, सुंदर नज़र आ रही है, ठीक है, सुंदर नज़र आ रही है, सुंदर नज़र आ रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। पोएट ने यहाँ पे उसको बोला है ग्रीक, जो कि ग्रीक लिटरेरी के बारे में बात करती है, ग्रीक सभ्यता के बारे में बात करती है, ग्रीक कल्चर के बारे में बात करती है, और अपनी जगह पर खड़ी हुई बहुत ही सुंदर, मनोरम, अच्छी नज़र आ रही है। विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरऑल, ठीक है ना, विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन बीट, कहने का मतलब ये है, ट्रोडन बीट का मतलब होता है घास फूस, जो दबी पैरों से दबी कुचरी जो घास होती है उसको बोलते हैं ट्रोडन, ठीक है, ट्रोडन बीट्स का मतलब घास फूस जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको ट्रोडन बीट बोला गया यहाँ पे, मतलब पैरों से कुचल देने वाली जो घास, जो पैरों से चलते चलते दब चुकी होती है और कुचल चुकी होती है, उस घास से। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज, और फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की जो शाखाएँ हैं, टहनियाँ हैं उनसे। विद ब्रीड, ब्रीड का मतलब बेल इत्यादि, बेल पत्थर वगैरह जो होते हैं ना, बेल होती हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं, बेल होती हैं उनसे, तो बेल से पेड़ पत्तों की जो टहनियाँ होती हैं उनसे, और दबी कुचरी जो घास होती है पेड़ पौधों की उनसे। इस अर्न पर, यानी कि इस पत्थर की अर्न पर, मार्बल अर्न पर मैन एंड मेडन्स ओवर रोड, यानी कि मनुष्य और बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें आदमी भी हैं, महिलाएं भी हैं, और भी बहुत तरीके की चित्र अंकित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। पोएट इज रेफरिंग द अर्न एज अ एटिक शेप, वो यहाँ पे उसको ग्रीक बताता है, यूनानी बताता है, एंड से दैट सी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज स्टैंड इट्स प्लेस, एंड सो मैनी फिगर्स आर पेंटेड और कार्व्ड ऑन दिस मार्बल अर्न एज विद द फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन बीट्स, कहने का मतलब घास फूस से और लकड़ियों से, ब्रांचेज से, टहनियों से, और इस पर ओवरराइट किया गया, ओवरराइट का मतलब इस पर उकेरा गया है, मतलब इसको उकेरा गया, उकेरा का मतलब होता है किसी चीज़ को काट काट के, जैसे पत्थर पे छेनी चलाते हैं ना, उस छेनी से काट काट के जो पिक्चर बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है। और आगे दिया गया, दाउ साइलेंट फ्रॉम डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डोथ अटेंडी, कोल्ड पेस्टोरल, पहले इसका मतलब समझ लो, कोल्ड पेस्टोरल का मतलब है ये जो सारी चीज़ों के बारे में जो बात हो रही है, इन सारी चीज़ों को ही कोल्ड पेस्टोरल, यानी कि देहाती इतिहास, देहाती इतिहास बताया गया है, देहाती इतिहास, देहाती कहानियाँ, देहाती कल्चर, और वो देहाती सभी चित्र जो इस अर्न पर उकेरे गए हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बोला गया है कोल्ड पेस्टोरल। तो इसको अभी हम रेफरेंस करेंगे, इसको इंटर करेंगे, इंटरलिंकिंग करेंगे इससे, कहाँ पर देखिए, यहाँ से पोएट यहाँ पे कहता है दाऊ साइलेंट फॉर्म, तुम चुपचाप खड़ी हो, कैसी हो, यू आर साइलेंट, यू आर नॉट स्पीकिंग, और साइलेंट फॉर्म एक बार पीछे भी आया है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें लिखा है यू आर द ब्राइड,
ऑफ साइलेंट, ठीक है। तो ये साइलेंट का मतलब वही है जो पहले भी आया है, मतलब बिल्कुल शांत खड़ी हुई है, तुम बोल नहीं सकती। यू कॉन्ट एक्सप्लेन, यू कॉन्ट एक्सप्रेस योर थाट्स, बट ऑल दैट थिंग्स दैट एक्सप्रेस योर आइडियाज इट इज योर आर्ट दैट इज डिपिक्टेड ऑन योर सेल्फ। मतलब जो तुम्हारे ऊपर आकृतियाँ बनी हुई हैं वही आकृतियाँ तुम्हारे थॉट्स के बारे में बताती हैं, बट तुम कुछ नहीं बताती, तुम शांत खड़ी हुई हो, ठीक है, यू आर साइलेंट। डोस्ट टीच अस आउट ऑफ थॉट्स, जो हमको बार बार उन विचारों को याद दिला देती हो, उन विचारों को सोचने पर मजबूर कर देती हो, जिस तरीके से एज डोथ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है अमरत्व। क्या होता है? अमरत्व। अगर किसी व्यक्ति को अमरत्व प्राप्त हो जाए, मतलब अनंत प्राप्त हो जाए, जिसमें वो कभी खत्म ही ना हो, तो वो अनंत भी आदमी को परेशान करने लगता है। अनंत में न जाने कितने सदियों को हम देख लेते हैं, कितने सहस्त्रों वर्षों को हम देख लेते हैं अगर हम मरते नहीं हैं तो। इसी तरीके से यहाँ पर अर्ण है। अर्ण क्या है? अनंत है, जो कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है। इस पर जितनी भी कहानियाँ हैं वो क्या करेगी, उनसे चिढ़ाएगी हम लोगों को। हम लोगों का मतलब जो लोग होंगे जो इसको देखेंगे, उन सभी को चिढ़ाएगी और अपनी कहानियाँ बताएगी। जैसे एटर्नल यानी कि मरणशील, अमरणशील, अमरत्व प्राप्त करने के बाद में कोई व्यक्ति बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसने सदियों पहले देखी होती हैं, ऐसे ही ये कोल्ड पेस्टोरल हमको चढ़ाएगा। मतलब ये इतिहास जो इस पर उकेरा गया है, ये हमको सोचने पर मजबूर करेगा उन सारी चीज़ों के बारे में जो इस पर छपा हुआ है। कब करेगा? कंडीशन भी दी गई है, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन बेस्ट, जब बुढ़ापा आएगा, टाइम गुजरेगा, टाइम विल ईटन अप ऑल द वर्ल्ड, ठीक है ना, जितने भी लोग हैं उन सभी को ये समय खा जाएगा, उन सभी लोगों को ये समय ख़त्म कर देगा। जनरेशन विल बी लॉस्ट, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गायब होते चले जाएंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी आएगी उस नई पीढ़ी को ये जो कहानियाँ हैं कोल्ड पेस्टोरल्स और ये साइलेंट फॉर्म में जो अर्न बैठी हुई है, जब लोग इसको देखेंगे तो ये सभी क्या करेंगी, इनके ऊपर जो फिगर बने हैं ये इनको चढ़ाएंगी, उस जनरेशन की याद दिलाएंगी, जो जनरेशन इस अर्न ने तो देखी है लेकिन इन लोगों ने कभी देखी नहीं है, ठीक है। Thou shalt remain in midst of other boys, यहाँ पर दिया गया तुम हमेशा रहोगी, तुम आज भी हो, तुम कल भी थी, जब मैं नहीं था तब भी थी, और आज भी हो और मैं नहीं रहूँगा तब भी रहोगी। You will remain always in midst of other boys, लोगों के दुख की तुम एक गूंगी, गूंगी का मतलब जो बोल नहीं सकती, शांत, ठीक है, एक शांत मूक क्या होगी, एक विटनेस होगी, एक सबूत होगी, मतलब एक तरीके से गवाह होगी, तुम लोगों की इस दुख दर्द का गवाह होगी। देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ येस्ट, यानी कि तुम उन लोगों के साथ में मित्र ही नहीं, उन लोगों के दुख का पारदर्शिता दिखाने वाली वो दर्पण होगी जिसमें लोग जिए होंगे, और उन सारी चीज़ों का तुम वर्णन करोगी जिनको और लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। आगे दिया गया है, और लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलोगी, लोग तुमसे एक ही चीज़ सीखेंगे, और वो चीज़ जो सीखनी चाहिए सभी को, जो चीज़ है यानी ये नो ऑन द अर्थ एंड ऑल नीड टू नो, यानी वो चीज़ जो हम सभी लोगों को सिखाना चाहती हो तुम, जो हमको सीखनी चाहिए वो चीज़ यही है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल येट टू नो अस, हमें सिर्फ यही चीज़ तुम सिखाना चाहती हो और यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि सत्य ही सुंदर है, यानी कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, यही चीज़ तुम हमें बता रही हो, ठीक है। तो अब मैं इस लाइनों का पूरे तरीके से वल्क में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एक एक शब्द तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इस लाइनों में पोइट जो है वो उस अर्न को एटिक शेप बताता है, अच्छे एटीट्यूड वाली बताता है, सुंदर बताता है, ठीक है ना। ब्रेड विद ऑफ मार्बल्स, कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत तरीके की अलग अलग तरीके के फिगर बने हुए हैं, बेल बूटों से, ठीक है, कई तरीके की आकृतियाँ बनी हुई हैं जिसमें मानव आकृतियाँ हैं, महिलाओं की आकृतियाँ हैं, और वो किससे बने हुए हैं, वो यानी कि बेल और मानव के पैरों तले जो रौदी हुई घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, उनसे वो बने हुए हैं, ठीक है। और जो अर्न है वो कैसी है, शांत है, वो कवि के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती है, यानी बिल्कुल साइलेंट है। आगे यहाँ पे ये दिया गया टीज अस आउट द थॉट, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब अनंत जो होता है, अनंत जिसका कभी समाप्ति नहीं होती, वो चीज़ क्या करती है, मानव मस्तिष्क को कन्फ्यूज कर देती है, भ्रमित कर देती है, परेशान कर देती है। और इसी तरीके से इस अर्न पर यानी कि कलश पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं
उन आकृतियों को देखकर हम लोग का मतलब ह्यूमन जनरेशन अपने मस्तिष्क में कई तरीके के थॉट्स लेकर आएगी और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। चेष्टा हमें त्यागनी पड़ेगी, हम इसके बारे में जितनी कल्पना कर रहे हैं कि इस पर ये चीज़ बनी है, ये पुजारी हैं, ये हाइपर है, ये लवर है, ये बीलब्ड है, या ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम जो सोच रहे हैं इसके बारे में, जब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को त्याग देंगे। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और ये अर्न सिर्फ हमें एक ही चीज़ कहना चाहती है, एक ही चीज़ हमें सिखा जाएगी। वो चीज़ क्या है जो हमें जाननी चाहिए, वो है ये कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य होता है। ठीक है, तो ये पोइम आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। आप इनकी लाइन्स को लर्न कर लेना क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके एक्सप्लेनेशन में से कुछ नहीं आने वाला है, बस ये आएगा कि इन लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो मैंने लाइन आपको एक एक समझा दी है तो किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए बस।